कहानी पुत्र है बिट्टू, मम्मी का नाम सुंदरी, रामपुरा पिलखोगा बता रहा है। यह खबर आगे बढ़ाएं जिससे यह बच्चा अपने माँ बाप तक पहुंच जाए। भैया आपका कहाँ के रहने वाले हो आप? रामपुरा। यहाँ कैसे आए? बस में आ गया। किसके साथ आए बस में? भैया कह रहे बैठ जा, मैं बैठ गया। हाँ, उनके साथ में चढ़ के आ गया। तो यहाँ कहाँ उतरे आप? बिलखुआ से यहाँ तो कोई सीधी बस आती नहीं है, और कहीं नहीं? जब बिलखुआ से चले कहाँ कहाँ को आए आप? जहाँ पे बहुत सारी बस रहे मैं वहाँ से उतरा था। तो वहाँ से उतर के यहाँ कैसे आए? यहाँ मैं पैदल पैदल आ गया। अच्छा, आपके मम्मी पापा का नाम है कुछ? हाँ। क्या नाम है मामा के पास? मम्मी का सुंदरी और पापा का बिट्टू है। क्या नाम द्वारा बोलना? मम्मी का नाम सुंदरी, पापा का बिट्टू। बिट्टू, ये पिलखुआ किस जगह पड़ता है? पिलखुआ हापुड़ के थोड़े से पास ही। हापुड़ के पास पढ़ते हो आप? हाँ। क्या कौन सी क्लास में? तीसरी में। कौन से स्कूल में? सरकारी में। स्कूल सब्जी मंडी के पास है। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम? हाँ, विद्यालय नंबर 1 नगर क्षेत्र जनपद हापुड़ है। अच्छा, कक्षा 3 में पढ़ते हो? हाँ? कक्षा 3 में। आपको कैसे पता? अब यहाँ जो आप नजीबाबाद में, तो अपने घर जाना चाहेंगे? कब से आए आप पिलखुआ से? पिलखुआ से कब चले थे आप? मैं? हाँ, अभी आज ही चला था। किस टाइम? सुबह सुबह। तो जो भैया आपको लेके आए थे क्या क्या लेके आए थे? मैं कहता आज बैठेगा, मैं बैठ गया। भैया का नाम क्या था उनका? नाम नहीं पता। जानते थे उनको? आपके कोई रिश्तेदार थे? फिर क्यों बैठे बस में? अच्छा, चीज देंगे? क्या चीज दी फिर उन्होंने आपको? चॉकलेट दी थी। फिर वो भैया कहाँ उतर गए? वो चले गए, मैं भी चला गया। भैया कहाँ उतरे हैं? भैया हाँ, वहाँ पर उतरे जहाँ पर बहुत सारी बस रहती है। अच्छा,